गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर, कढ़ाई पनीर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है रेसिपी। पनीर की सब्ज़ी आपने कई बार बनाई होगी, कई तरीके से बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बनाकर देखो, बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी का टेस्ट आता है। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, कितना बढ़िया हमारा ये लुक दे रहा है। और जितनी बढ़िया ये देखने में लगती है, उसे कहीं ज़्यादा टेस्टी है खाने में लगती है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में लगती है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए बिना देरी किए हम इसे बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के प्याज। प्याज को हमें रफली चॉप कर लेना है। पहले चलिए हम इसे काट लेते हैं। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा लिया है मैंने कुछ 5-7 लहसुन की कलियाँ, इसे भी छील लिया है। कुछ अदरक के टुकड़े, इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है। इसके अलावा कुछ प्याज के हमने इस तरीके से इसके पैटल्स निकाल लिए हैं, इसे हम साइड करते हैं। इसके अलावा लिया है मैंने एक शिमला मिर्च, इसे भी हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। जिस तरीके की जिस साइज़ का हमारा प्याज का ये छिल गया है ना, इसी साइज का हमें शिमला मिर्च को भी काट लेना है। तो चलिए इसे भी काट लेते हैं। प्याज लहसुन अदरक को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। इसके अलावा अपनी शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें लेना है 4 देसी टमाटर, इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। अब मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। पनीर को मैं टुकड़ों में काट लेती हूँ। आप अपने मनचाहे शेप में इसको काट सकते हो। मैं इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार होती है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। पनीर को मैंने इस तरीके से काट के रेडी कर लिया है। पनीर को काट के मैंने रेडी कर लिया है। चलिए गैस ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। डालेंगे इसमें पहले हल्का का सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही इसे बनाए, इसे इसका टेस्ट बढ़िया आता है। पहले हमें थोड़ा डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डालेंगे इसमें जो प्याज और ये जो शिमला मिर्च हमने काट के रखे हैं ना, इसे सॉटे करने के लिए इसे डाल देते हैं। हल्का सा हमें इसे सॉटे करना है। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। प्याज और शिमला मिर्च हमारे कटी हो चुके हैं, अब देख सकते हैं निकाल लेते हैं इसे। कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है, इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा और सरसों का तेल। दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल फ्री होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम फ्राई करेंगे अपनी पनीर। पनीर हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें हम। और इसी तरीके से अपने सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनकर तैयार होता है दोस्तों। बिल्कुल रेस्टोरेंट में जिस तरीके से आप खाते हो बिल्कुल उस तरीके का इसका टेस्ट आता है। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही मजेदार बनकर ये रेडी होता है। जरूर बनाकर ट्राई करना, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। इस तरीके से सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, ऑयल हमारा रख गया है और ये गर्म है। इसमें डाल देते हैं हम थोड़े से खड़े गर्म मसाले, जीरा, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा डाल दे रही हूँ मैं इसमें 3 हरी मिर्च। आप ज़्यादा डाल सकते हो, अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मिर्च हमारी सौटी हो गई है, गरम मसाले की भी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अभी जो प्याज, अदरक और लहसुन हमने पीस के रखा है ये वाला पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है दोस्तों ये। अच्छे से इसको ब्राउन होने तक हमें भूनना है, प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर की जो प्यूरी हमने बनाकर तैयार की है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसी समय हम डाल देते हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका कलर बढ़िया आएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच मीट का मसाला, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा मसाला डाल देने से हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। 1 छोटे चम्मच इसे भी डाल देते हैं। इसके अलावा आप किचन किंग या फिर चिकन मसाला या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालने से क्या होता है कि हमारी टेस्टी सब्जी का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालते हैं जिससे कि उनका टेस्ट बहुत ही अलग तरीके का लगता है, बहुत ज़्यादा वो स्वादिष्ट लगता है। मसालों को अच्छी तरीके से भुनना है 1 मिनट तक। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी एक ग्रेवी बनकर तैयार होती है दोस्तों। बनाकर जरूर ट्राई करना, कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। 1-2 मिनट तक हम मसालों को भी सब एक साथ मिलकर सबको मिलाकर भुनना है हमें। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच दही, आप चाहे तो मलाई भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मसालों को 1-2 मिनट हमें भून लेना है तो ग्रेवी हमारी टेस्टी बन जाए। बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट दोगी दोस्तों, बनाकर जरूर ट्राई करना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मसाले हमारे भून चुके हैं, हम देख सकते हैं मसाले हमारे कढ़ाई छोड़ने लगे हैं। अब इस स्टेप पर डाल देंगे हम इसमें पानी। पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि बहुत पतली ग्रेवी हमें नहीं बनानी है, ग्रेवी हमें थिक ही बनानी है। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। हल्का पानी और ऐड करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है दोस्तों। इस तरीके से आप कढ़ाई पनीर बनाकर ट्राई करो। उबाल आने देते हैं इसमें, एक ग्रेवी हमारी उबलने लगी है। डाल देते हैं इसमें अपने प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रेडी किए हैं। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने फ्राई किए हुए पनीर। एक मिनट तक उबलने देंगे, बहुत ज़्यादा देर बनाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट तक इसको हम खुले ही बॉयल होने देते हैं, इसे ढकेंगे नहीं। सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है, ठंडी होने पर ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम ऑफ करें। सब्जी बनके हमारी पूरी तरीके से रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।